भगवान बने दया कर दिस ना, बादल ढक दिस। अभी कल पहले में कार्यक्रम में रहो पंडरिया में, वहां तो भारी धूप एकदम, तो जोर के जयकारा हो जाए। पहली बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, रूप कुमारी चौधरी जिंदाबाद, रूप कुमारी चौधरी जिंदाबाद। फिर एक बार अब की बार आज बसना के ये पावन धरती में, आज के चुनावी सभा में, मंच में विराजमान आप मन के क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू जी, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के हमर पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री अमरजीत छाबड़ा जी, सह प्रभारी श्री अजय सिंह जी, संयोजक डॉक्टर एन के अग्रवाल जी, जिला के उपाध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी जी, हमर सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु दीदी प्रियंका गुरु जी, महासमुंद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी पटेल जी, डॉक्टर अखिलेश भोई जी, श्री गजेंद्र साहू जी, श्री सुमित अग्रवाल जी, श्रीमती हेम कुमारी नायक जी, श्रीमती वृंदावती पांडे जी, श्री सतपाल सिंह छाबड़ा जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री हरप्रसाद पटेल जी, श्री माधव साहू जी, श्री कृष्ण कुमार साहू जी, श्री नरेश सिंघल जी, श्री स्वप्निल तिवारी जी, श्री मथामणि बढ़ाई जी, श्रीमती ममता साहू जी, विक्की सलूजा और मंच में विराजमान सभी हमार नेतागण, महिला नेत्रीगण, काकरो नाम छोटी सोही तो मैं क्षमा चाहूं। और आज के विशाल जनसभा में, विशाल चुनावी जनसभा में सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्र मन, मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हो और आप मन भारी स्वागत करे हो, गजमाला से भी स्वागत करे हो, तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के मैं आभार व्यक्त करत हूं और आप मन के भी मोर तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे सबो नेता मन ला आप मन सुन चुके हैं, हमारे विधायक जिला भी सुने, सांसद जिला भी सुने हैं, हमर प्रत्याशी भी आप मन से आशीर्वाद ले चुके ने। मैं तो मुख्यमंत्री के नाते ये बताए बर आए हूं कि अभी ये जो लोकसभा के चुनाव है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। आपन सब सहमत हो कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? सब सहमत हो तो एक बार हाथ उठा के बताओ। चलिए धन्यवाद, आप सब सहमत हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिली है, जो एक गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं, और गांव गरीब किसान मजदूर हर वर्ग के रात और दिन चिंता करते हैं,
24 घंटा में 18 घंटा हमारे लिए मन काम करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जिला हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए सबके लिए काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिला तीसरी बार हमारा प्रधानमंत्री बनाना है, ओकर लिए चुनाव है। हमारे भारत देश ला मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। ये देश ला आने वाला 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है और एकर बड़े चुनाव है। इसलिए मैं आप मन से आग्रह करे बढ़ाए हूं कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी है, आप मन के क्षेत्र के बेटे भी है श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, जो आप मन के बीच में लंबे समय से काम करीन है। पहले विधायक, संसदीय सचिव के रूप में, पार्टी के जिला के अध्यक्ष के रूप में काम करीन है। कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो ऐसे रूप कुमारी चौधरी ला आने वाला 26 अप्रैल के आप मन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में मिलना चाहिए, ये मैं आप मन से आग्रह करे बढ़ाए हूं। आप मन के आशीर्वाद मिले ना रूप कुमारी चौधरी जिला 26 तारीख ला, मिले कि नहीं? मिली ना? हाँ, भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी का लबरा पार्टी, ठगरा पार्टी है ना, 5 साल शासन करी, बड़े बड़े वादा करके शासन में आई रही से, 36 ठन वादा, एको ठन वादा पूरा हुईस? एको ठन वादा पूरा हुईस? 500 रुपया कितना, 1000 रुपया हमारे माता मल्ला दहो कहेरिस मिली से मल्ला? कछु नहीं मिलीस, पूरा ठगे के काम करीस। और 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ का अपराधगढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, हर चीज में भ्रष्टाचार के काम करीन। कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तार नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खा गिन, खाइन कि नहीं? और आज कई ठन कांग्रेसी मन जेल में है, उमन के सहयोग करने वाला अधिकारी जेल में है, साल साल 6-6 महीना से उमन के बेल नहीं होते और लगातार जेल जाए के सिलसिला आज भी जारी है। तो ऐसा एक कांग्रेस ला हमला सबक सिखाना है, जैसे विधानसभा चुनाव में उमला सरकार से बाहर करे हैं और 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट लेके आप मन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। और ये विधानसभा में आप मन डॉक्टर संपत अग्रवाल जिला कितना 38,000 से जिताया है ना, तो लोकसभा में ऊपर दूना होना चाहिए कि नहीं? दूना होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? 76,000-80,000। चल आप मन बोला था भाई 80,000, तो आप मन ला करना पड़ी, सब जन ला रूप कुमारी चौधरी बन के एक एक घर में जाना पड़ी, एक एक मतदाता से संपर्क करना पड़ी। आज कोई ऐसा घर नहीं हुई जे घर ला कोई लाभ नहीं मिले हुई मोदी जी के सरकार के, या हमारे ये 3 महीना के काम के, या हमारे 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के, कोई घर हुई ऐसा जो ला कोई लाभ नहीं मिले हुई? सब ला मिले है, कांग्रेसी मल्ला भी मिले हुई। ओमन ला भी समझाना है कि भाई अब कांग्रेस ला छोड़ के इतनी आवा, आज कांग्रेस में भारी भगदड़ होगी से, जहां भी हम जात हैं कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले दुर्ग में रहे तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के भाभी सीमा बघेल घलो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो ये कांग्रेस के दुर्गति होगी से, तो इस समय माला एक भी सीट छत्तीसगढ़ में लेह भर देना नहीं है कि देना है? पूरा 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के हमारे प्रधानमंत्री जी ला देना है। और सौभाग्य की बात है कि 23 तारीख के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके धमतरी में आते हैं, आप मन से आशीर्वाद मांगे बर, आप मन के सहयोग मांगे बर 23 तारीख के 3 बजे है ना,
हाँ 3 बजे धमतरी में आते हैं, तो उन्हें भी भारी संख्या में जाना है और उनके आशीर्वचन ला सुनना है। और आप पर मोदी की गारंटी में विश्वास करके यहाँ सरकार में बैठाया है, तभी मुश्किल से 4 महीना हुई से सरकार ला, लेकिन मोदी की गारंटी में जो हमन वादा करे रहे हैं, वो बहुत सारा वादा के हमने 4 महीना में पूरा करे हन। एक तो कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब बन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, जेकर अधूरा मकान रही सो अधूरा के अधूरा रह गई, ओला भी भूपेश बघेल के सरकार पूरा नहीं करवाईस, और इसीलिए गरीब मन के आ कांग्रेस पार्टी के लग गई और उमन सरकार से बाहर हो गई। हमन 13 दिसंबर के शपथ लेन और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख मकान के स्वीकृति दे दे हैं। अभी ये चुनाव के बाद में सबके प्रधानमंत्री के आवास बनना शुरू हो जाये, 18 लाख गरीब मन के मकान बने और जमन के अधूरा है उमन के अधूरा मकान भी पूरा हो ही। ये मैं आप मतलब बता था मुख्यमंत्री के नाते, 2 साल के धान के बोनस मिली कि नहीं, कितना किसान ला मिली से हाथ एक बार उठाइए, बने बने मिली कि नहीं, 12 लाख से ज्यादा किसान मनला 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बकाया बोनस दे के काम करे हन, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत दे हन, और 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची ने 145 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान के खरीदी हमारे सरकार करी से, और 13,320 करोड़ रुपया अंतर के राशि 12 मार्च के देह के काम ये सरकार करी से। अंतर की राशि कितना जला मिली से किसान मल्ला 917 रुपया प्रति क्विंटल अंतर की जो राशि रही ना, ओला भी एक मुश्त, जबकि कांग्रेस थोड़ा सा पैसा 300-400 रुपया ला तरसा तरसा के देत रिस ना, 4 बार में देत रिस, कोरोना के समय में 30% पैसा लग काट भी दिस और आखिरी किस्त ओला भी खा गिस है कि नहीं, लेकिन हमने एक मुश्त 917 रुपया प्रति क्विंटल अंतर की राशि एक मुश्त हम देह के काम करे हैं। हमार महतारी मन यहां बैठी ने कितना जला महतारी बंधन के दूसरा किस्त मिल गए, हाथ उठावा सबला मिल गए, चला धन्यवाद। हर महीना आप मल्ला पहली सप्ताह में मिल ही, हर महीना मैं हमार सरकार के वित्त मंत्री ला बोल चुके हूं कि हर सप्ताह हर महीना पहली सप्ताह में हमार माता बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया जाना चाहिए। आज भरमाए के काम करते हैं कांग्रेस अमन, उमन कहते हैं कि महतारी बंधन के पैसा ये चुनाव रहते तक मिली होकर बात बंद हो जाही, आप मन ला अमन के भ्रम में पड़ना नहीं है। आज मैं आप मन के सामने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़ा हूँ और आज मैं आप मन ला बोला था जब तक हमन सरकार में है तब तक आप मन के 1,000 रुपया प्रति महीना पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में जाही। आज मन भरमाए के कोशिश करते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई है, दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी, तो जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। हमर मोदी जी कह चुके हैं कि जब तक हम लोग सरकार में हैं, कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा, और अभी 4-5 दिन पहले हमारे गृह मंत्री भी खैरागढ़ के सभा में फिर दोहरा चुके हैं कि जब तक हम लोग हैं, चाहे वो ST ST OBC का आरक्षण हो, कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। अभी हम अनेक और ठगे के काम करते हैं, 1 लाख रुपया के फार्म भरवाते हैं, कैसे माता बहनी मन भरवाते हैं ना 1 लाख रुपया के कि हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख रुपया देंगे, महीना का 8,000 रुपया देंगे। आप मतलब विश्वास लगते कांग्रेसिया मन नहीं, ये फिर ठगे के काम करते हैं, कोई देने वाला नहीं है मन, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला बात है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने दिल्ली में मन के सरकार बने के 0% भी गुंजाइश नहीं है, तो कहां ले मन पैसा दे, तो खाली ये जनता ला हमारे माता बहनी वाला ठगे के काम करते हैं, तो मन के ठगावा में हमला
आना नहीं है और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे कार्यक्रम और बचे हैं। आप सबसे मैं फिर से आग्रह करना चाहूं कि आने वाला 26 अप्रैल के आपन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। आपन यहाँ कमल छाप में बटन दबाया तो वो हर सीधा हमारे प्रधानमंत्री ला मिली, नरेंद्र मोदी जी ला मिली और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी और आपन के भरपूर आशीर्वाद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी ला मिले। भारी मत से सांसद के रूप में ये जीत के दिल्ली जाए, यही आपन से प्रार्थना कर बर में आए रहे और बाकी सारा दुख तकलीफ आपन के काम धाम ये चुनाव के बाद में सब साए साए हो ही है ना, सब साए साए हो ही। तो यही आशीर्वाद मांगे बर आए रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तख्ते उठा के बोलियो।